बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टूडेंट एकेडमी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर लेक्चर में से आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। टुडे द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्रोनाउन। प्रोनाउन होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं। हमारे पास प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट रिप्लेसेस नाउन्स, यानी कि हम कोई भी पैसेज लिख रहे हैं, हम कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, हम कोई भी ऐसे लिख रहे हैं किसी भी चीज़ या किसी भी शख्स के ऊपर, तो उसके नाउन की, उसके नाम की रिपीटिशन से बचने के लिए हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ दैट नाउन, तो वो हमारे पास आ जाते हैं हमारा प्रोनाउन। तो इसमें हमारे पास आ जाता है आई, मी है, शी, वी, दे, हु, दैट, शोअर्स, हिज, हर वगैरह वगैरह। हमारे पास जो लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि हमारे पास जो वो हम होते हैं जेंडर बेस्ड, यानी कि अगर हम लड़की के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके लिए, फॉर सपोज मैं कहूँ कि अमना इज़ माई टीचर, तो आगे मैं उसके प्रोनाउन लगाती हूँ शी इज़ वेरी काइंड, तो जो शी है वो आमना का प्रोनाउन है, यानी कि आमना के नाउन की रिपीटिशन से बचने के लिए फॉर एज अ प्रोनाउन यूज़ किया गया है। तो जेंडर बेस्ड ऐसे होगा कि फीमेल के लिए हम लोग शी यूज़ करेंगे और जो मेल होगा उसके लिए हम ही यूज़ करेंगे। अगर हम जमा की बात कर रहे हैं, ज़्यादा सारे लोगों की बात करें, तो वहाँ पर हम दे यूज़ करेंगे या देम यूज़ करेंगे। उसके अलावा जब हम किसी भी नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं तो हम उसके लिए इट लगाएंगे, जैसे यहाँ पे बाईसाइकिल के लिए इट लगाया हुआ है। नेक्स्ट वी हैव कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन, कि इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करने लगे हैं। तो देयर आर 8 कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन। दैट कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन आर पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड में हमारे पास है पोजेसिव प्रोनाउन, थर्ड में हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ में हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या इम्फैटिक प्रोनाउन, ये भी कह सकते हैं, फिफ्थ में हमारे पास है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सिक्स्थ में हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन, सेवन्थ में हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एंड एट्थ एंड एंड वी हैव इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो अब ये जो हमने इसकी पढ़ी है, इनको हम फर्दर डिस्क्राइब करेंगे, इनको फर्दर पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कैन रिप्लेस अ नाउन और अनदर प्रोनाउन। जो पर्सनल होता है, जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, वो पर्सनली किसी भी नाम को हम चेंज कर लेते हैं, यानी कि वो रिलेट कर रही होती है हमसे वो चीज़। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, मैरी इज़ माई सिस्टर, तो अगर मैरी साथ है तो उसको हम ये कह सकते हैं कि शी इज़ माई सिस्टर, बजाय मैरी कहने के, बजाय उसका नाम लेने के हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। ये जो शी है ये मैरी का प्रोनाउन है, तो यहाँ पे हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं कि शी इज़ माई सिस्टर। नेक्स्ट वी यूज़ प्रोनाउन लाइक ही, हर, अस, देम टू मेक आवर सेंटेंसेस लेस रिपीटिव एंड लेस कम्बर्सम। तो इस ये जो नाउन है, इस नाउन की रिपीटिशन से बचने के लिए और अपना वो क्लियर करने के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आती है कि एन टोल्ड रॉबर्ट दैट रॉबर्ट वाज हर बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे एन जो है वो लड़की और जो रॉबर्ट है वो लड़का है, तो वो बता रहे हैं कि दैट रॉबर्ट वाज हर बेस्ट फ्रेंड। तो उसको प्रोनाउन में ऐसे चेंज करते हैं दैट शी टोल्ड हिम दैट ही वाज हर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। नाम से ही जाहिर है, जैसे पोजेसिव नाउन है वो किसी भी चीज़ की पोजेशन शो करेगा। जैसे कि वी यूज पोजेसिव प्रोनाउन टू रेफर अ स्पेसिफिक पर्सन, पीपल आर थिंग बिलोंगिंग टू अ पर्सन, पीपल एंड समटाइम्स बिलोंगिंग टू एन एनिमल्स आर थिंग टू थिंग। तो वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा हो सकता है, ये जो पोजेशन है ये किसी पर्सन की किसी पर्सन के साथ हो सकती है, ये किसी पर्सन की किसी थिंग के साथ हो सकती है, किसी थिंग की किसी थिंग के साथ हो सकती है। तो जैसे फॉर सपोज हमारे पास एग्जांपल है कि आई लॉस्ट माई पेन, तो इसमें जो माई पेन है, इस बेसिकली जो माई है वो पोजेशन शो कर रहा है कि जो मेरा वो पेन जो था वो मेरा था।
सेम एज ये हमारे पास आ जाती है पीपल की थिंग के साथ. तो पिलफर्ज हम ये कह सकते हैं कि शी इज़ माई सिस्टर, तो इसमें जो माई आ जाते हैं इसमें वही माई फिर हमारे पास हमारे पोजेसिव प्रोनाउन है, यानी कि हमारी पीपल टू पीपल है. अगर हम इसको रिलेट करें थिंग टू थिंग तो हम ये कह सकते हैं कि चीयर्स आम, चीयर्स आम. तो चीयर्स जो चेयर है इसके आगे हम अपॉस्ट्रॉफी लगा देंगे तो वो बन जाएगा कि चेयर का बाजू या चेयर का जो हम हमारे पास होता है. नॉन लिविंग थिंग के लिए हम हमेशा अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं उसकी पोजेशन शो करने के लिए कि ये उसकी है, ये उससे रिलेट कर रही है. और जो लिविंग थिंग्स हमारे पास है उसके लिए हम ऑफ भी यूज़ करते हैं, और पर्सनल प्रोनाउन में हम फिर ये चीज़ें यूज़ करते हैं माई, माइन, हर, हिज, हिम, ये वाली चीज़ें यूज़ होंगी. नेक्स्ट वो कहते हैं कि वी यूज़ पोजेसिव प्रोनाउंस डिपेंडिंग ऑन नंबर. अगर वो सिंगुलर होगा तो हम कहेंगे कि माइन, अगर वो प्लूरल होगा यानी कि जो पोजेशन शो करने वाला होगा जो सब्जेक्ट होगा अगर वो सिंगल है तो यानी कि बिलफर्ज मैं हूँ तो मैं कहूँगी कि माइन, मतलब मैं अपने लिए यूज़ कर रही हूँ सिर्फ सिंगल के लिए. अगर मेरे साथ तीन चार फ्रेंड्स और हैं तो प्लूरल हो जाएगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आवर. जैसे मैं अगर एक रूम को कहूँ कि ये मेरा रूम है तो मैं कहूँगी दिस इज़ माई रूम या दिस रूम इज़ माइन. लेकिन अगर मेरे साथ दो तीन फ्रेंड्स और रह रही हैं तो हम मैं ये कहूँगी कि दिस रूम इज़ आवर्स कि हमारा रूम है. यानी कि प्लूरल और इस पे नंबर पे डिपेंड करता है सिंगुलर और प्लूरल. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू द पर्सन भी हम इसको चेंज करते हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन हमारे पास होता है आई तो उसको हम चेंज करते हैं माइन में. सेकंड पर्सन हमारे पास होता है यू तो उसको हम चेंज कर देते हैं यूअर्स में. और जो थर्ड पर्सन हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है ही, शी, आर, इट, तो ही को हिज में और शी को हम हर में ऐसे चेंज कर देते हैं. और जो जैसे कि आप देखें जेंडर है मेल को हिज में और फीमेल को हर में. नेक्स्ट एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को आप देख लेंगे. इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन इनकी उन्होंने पार्टीशन कर दी है और सिंगुलर और प्लूरल दोनों को उन्होंने डिफ्रेंसिएशन बता दी. उसके बाद एग्जांपल दी गई है जैसे लुक एट दिस पिक्चर माइन इज़ द बिग वन. तो जहाँ पे जो माइन है वो पिक्चर की पोजिशन को शो कर रहा है कि जो मेरी पिक्चर है वो बड़ी है आपकी पिक्चर की नस्बत. नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई लाइक योर फ्लावर्स बट डू यू लाइक माइन, डू यू लाइक माइन कि मुझे आपके फ्लावर्स पसंद है क्या आपको मेरे पसंद आए. तो इसमें जो है ऊपर वाले एग्जाम्पल में एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा था प्रोनाउन, ये वाला प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास सॉरी पोजेसिव प्रोनाउन. लेकिन जो हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल आ रही है आई लाइक योर फ्लावर्स डू यू लाइक माइन तो यहाँ पे जो फ्लावर है वो एज एन ऑब्जेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है. नेक्स्ट फिर ऐसे एग्जांपल दी गई है एज अ सब्जेक्ट और एज अन ऑब्जेक्ट तो इसको आप देख लीजिएगा. उसके बाद एक टेबल दिया गया जिसमें हम सिंगुलर और प्लूरल को हम देखते हैं कि यूज बिफोर द नाउन. और ये देखेंगे कि यहाँ कहाँ पे जो है वो अलोन यूज होता है सिंगुलर में जैसे कि माइन है, यूअर्स है, हीज है, हर है. और प्लूरल में हम उधर चेंज कर देते हैं आवर है, यूअर्स है, देयर्स है. तो ये चीज़ें ये टेबल में आप देख लीजिएगा. उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो शो कर रहा होता है द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर एक्शन टू द सब्जेक्ट. यानी कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट की तरफ क्या असर होगा वो ये चीज़ शो करता है. जैसे द बॉय किक्ड हिमसेल्फ, तो द बॉय किक्ड हिमसेल्फ बेसिकली जो बॉय है वो सब्जेक्ट है हमारे पास और जो हिमसेल्फ है वो हमारे पास माना जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. शी मेड हर सेल्फ कॉफ़ी कि उसने अपने लिए कॉफ़ी बनाई तो इसमें जो हर सेल्फ है वो शी के लिए. तो इसमें बेसिक चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि हम सिंगुलर के लिए हम ये यूज़ करेंगे हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ. लेकिन जो हमारे पास प्लूरल होगा जमा होगी तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे जैसे आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, देयर सेल्व्स. तो उसमें हम सेल्व्स यूज़ करेंगे, सेल्फ नहीं यूज़ करेंगे. उसके बाद हमारे पास द अंडरलाइन वर्ड्स आर द सेम पर्सन थिंग आई सा माई सेल्फ इन द मिरर. तो इसमें जो आई सा माई सेल्फ जो है वो रिलेट कर रहा है आई एज अ सब्जेक्ट है और जो माई सेल्फ है वो एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया गया हमारे पास. नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है व्हाई डू यू ब्लेम यूर सेल्फ.
तो इसमें हमारे पास जो यू है वो हमारा सब्जेक्ट है और जो यूर सेल्फ है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जॉन सेंट हिमसेल्फ अ कॉपी, तो इसमें भी हमारे पास जो जॉन है वो सब्जेक्ट है और हिमसेल्फ जो है वो इसका हमारे पास वो आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अगर ये चीज़ जमा होती तो हम यहाँ पे ये हिमसेल्फ ना करते, हम देमसेल्फ कर देते। जैसे हम कहें कि जॉन इब्राहिम एंड फातिमा सेंट देयर कॉपीज, तो